नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, बताइए जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करना, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंकित। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जिसके पास घर ना हो उसे अंकित कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस मुरारी लाल, बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है। जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी को गुड इवनिंग। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखाद्य। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अखाद्य करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जो करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जो करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकड़ी। क्या कहते हैं? अकड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड़ दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को क्या कहते हैं। जो गुड़ दोष का समरूप मूल्यांकन करे उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समीक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? समीक्षक कहलाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सूर्य के डूबने के समय को क्या कहते हैं। सूर्य के डूबने के समय को क्या कहते हैं? सूर्यास्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यास्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के डूबने के समय को सूर्यास्त कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। उसे कहा जाता है हतोत्साहित। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हतोत्साहित कहलाता है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे कहते हैं आध्यात्मिक। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए जिसकी दिशाएं ही वस्त्रों उन्हें क्या कहते हैं। जिसकी दिशाएं ही वस्त्रों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर। क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, दिशाएं जिनके वस्त्रों दिगंबर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। अशक्त कहा जाता है। क्या कहलाता है? अशक्त कहा जाता है। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। जो युग का निर्माण करता है
उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, युग निर्माता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत, अजर, अनादि, अमर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजर। क्या कहलाता है, अजर कहलाता है, जो बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रियदर्शी। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, उसी समय का को व्यक्त करने के लिए कौन सा एक शब्द होता है, सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने के लिए कौन सा एक शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्कालीन। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, तत्कालीन करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उसी समय का को व्यक्त करने के लिए एक शब्द होता है, तत्कालीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जन्मांध। क्या कहते हैं, जन्मान कहा जाता है, जो जन्म से अंधा हो जन्मान कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, जिसका जन्म ना हो उसे कहते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजन्मा। क्या कहते हैं, अजन्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को क्या कहते हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अतिशयोक्ति। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अतिशयोक्ति कहलाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपाद मस्तक। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होता है, अपाद मस्तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा, अपाद मस्तक करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, अप्रमाणिक करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
आप फिर में ये करेक्ट आंसर है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक्सेप्ट क्या होता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्या पूछा गया है जैसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक्सेप्ट क्या होता है। सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, त्याज। क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जैसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है त्याज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मग्लानि। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। जलचर कहलाता है, क्या कहलाता है, जलचर कहलाता है, जो जल में चलता फिरता है उसे जलचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे दूरदर्शी कहा जाता है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 का, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं, अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक्सेप्ट क्या होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक्सेप्ट क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अभूतपूर्व। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, साथ चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्या पूछा गया है, साथ चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए करेक्ट आंसर होगा, सहगामी। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो साथ चलता है उसे सहगामी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभाज्य। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द होता है अभाज्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, जो साहित्य से संबंधित हो, साहित्य से संबंध रखता हो उसे कहते हैं साहित्यिक। क्या कहते हैं, साहित्यिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है
उसके लिए एक्सेप्ट क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संकालु। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है संकालु कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, जिसे बुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसे बुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अब स्मरणीय। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जिसे बुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द होता है अब स्मरणीय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? निस्वार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्वार्थी कहलाता है, जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसे निस्वार्थी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, 33 के लिए आंसर करिएगा। जो यश से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो यश से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यशस्वी। क्या कहा जाता है? यशस्वी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा, जो यश से युक्त हो यशस्वी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगोत्री। क्या कहलाता है? गंगोत्री कहलाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, जिसके पहाड़ी में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पहाड़ी में चक्र हो उसे कहते हैं चक्र पहाड़ी। भगवान विष्णु का पर्यायवाची भी है, पूछ लेते हैं परीक्षा में, चक्रपाणी किसका पर्यायवाची होता है? आप लोग याद रखिएगा, विष्णु का पर्यायवाची होता है, तो जिसके पहाड़ी में चक्र हो चक्रपाणी कहलाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कामचोर। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कार को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नवीनीकरण। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कार को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, सौ की गिनती को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, सौ की गिनती को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शतक। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सौ की गिनती को शतक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं? जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुमुक्षु। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए जिसकी जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं। सभी का आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहलाता है? सी इसका राइट आंसर होगा, अद्वितीय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है परोपकार करने वाले को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए परोपकार करने वाले को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परोपकारी। क्या कहा जाता है? डी करेक्ट आंसर होगा, परोपकारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, वादी कहलाता है। क्या कहलाता है? वादी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो मुकदमा दायर करता है वादी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अभेद कहलाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जो भेदा ना जा सके के लिए एक शब्द होता है अभेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 45 के लिए आंसर करिए, बताइए जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अजय कहलाता है। क्या कहलाता है? अजय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक कहलाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक कहलाता है। ये भी पूछा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 पूछे जाएंगे। कन्फर्म है, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगामी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो भविष्य में आने वाला हो उसे आगामी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। यस योगेश, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरुद्देश। क्या कहा जाता है? निरुद्देश कहा जाता है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है नैनों को सुंदर लगने वाला, जो नैनों को सुंदर लगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए नैनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नैनाभिराम। क्या कहलाता है? नैनाभिराम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। जैसे तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। जैसे तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परमेय। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। जिसे तोला जा सके के लिए एक शब्द होता है परमेय, जिसे तोला ना जा सके उसे कहते हैं अपरमेय। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? प्रियंका वेरी गुड, सम्राट, टारगेट, सीमा, डेंजरस गर्ल। आपके राइट आंसर है परम। आप सभी ने राइट आंसर दिए, रीका, अमन, नीतीश, बिहारी बाबू, संध्या, कोमल, शिवकुमारी, निक्की, मुरारी लाल, साधना, दुबे। आपका राइट आंसर है पासवान गर्ल, काजल, विशाल, सुनीता, अमन, साधना त्रिवेदी। आपका भी राइट आंसर है सैफ। अनीस बहुत अच्छे, रिंकू, अभिषेक वेरी गुड। आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं, कप्ता वेरी गुड, काजल, खुशबू, शिल्पी, इन सभी ने राइट आंसर दिए हैं। तो सभी करेक्ट आंसर है इस बार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। मिष्टी वेरी गुड, अंशी बहुत अच्छे, आपके भी राइट आंसर है। क्यूटी का भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए विरोधी पक्ष का के लिए शब्द क्या होता है, उसे विपक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। तो विरोधी पक्ष का विपक्षी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे कहते हैं प्रवासी। क्या कह लेते हैं? प्रवासी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, प्रवास करने वाला प्रवासी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। एक बार कही को बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिष्ट पेशठ। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। तो आप लोग याद रखिएगा, एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्निर्वहार। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी अभी जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नवजात। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए।
जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा 59 का, फिर से आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्भिज। क्या कहलाता है? उद्भिज कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, जो धरती फोड़ कर जन्म लेता हो उसे कहते हैं उद्भिज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए राजनीति से संबंधित क्या कहलाता है? जो राजनीति से संबंध रखता हो या फिर राजनीति से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजनैतिक। क्या कहते हैं? राजनैतिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड, आप लोगों के अच्छे स्कोर हैं। तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशल शाम को 3 बजे हिंदी का सेशन होता है, इसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। शुभांशु वेरी गुड, मुरारी लाल, काजल, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं, टारगेट बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। तो क्लास पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज भी हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।